चमत्कार सच टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज हम फिर से एक बार चर्च की असलियत प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं और आज मैं आप से जिनको मिलाना चाहता हूं, और आज के जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं वो है इंदिरा बहन जी और ये है माया देवी, इनकी बड़ी बहू है। सो आज चर्च की असलियत में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि असल में असलियत क्या है, हकीकत जो है वो हम लोग आज प्रकट करेंगे इनके जीवन के बारे में। तो इंदिरा बहन जी, आप कैसे प्रभु में आए, क्या था आपको, क्या समस्या थी आपको? मेरी दुष्ट आत्मा थी शादी से पहले की। अच्छा, आप में दुष्ट आत्मा थी? हाँ जी। तो दुष्ट आत्मा कब से थी? ये थी 10 साल की थी मैं, तब से थी दुष्ट आत्मा। अच्छा, तो ये 10 साल की थी, 10 वर्ष की थी जब, तब से दुष्ट आत्मा थी। और फिर उसका इलाज करवाया कुछ? इलाज कराया मेरे मम्मी पापा ने, पहले मुसलमान से तांत्रिक से तबीयत कराते रहे, तो तब तो एक बार ठीक होगी। फिर जैसे मेरी शादी हुई, शादी के समय मेरे खुद के ससुर भगत थे, तो वो उनको पता लगा जैसे मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, ये आदमी है, आदमी है जो फेरों में कहते आया हुआ है, वो निकलता ही नहीं है फेरों। अच्छा, की चीज तो निकलती नहीं। वो ये कहते थे, आप तांत्रिक के पास जैसे जाते रहे तो वो ये कहते थे कि ये इसने मतलब फेरे ले लिए, पंजाबी में कहते जैसे, मतलब इसने शादी कर ली, साथ में शादी कर ली, शादी कर ली, ये निकलेगा नहीं। अच्छा, तो जब आपकी शादी हुई थी तो उस समय उसने भी आपके साथ ही फेरे ले लिए हैं, उसने फेरे लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक अक्सर ही जो है वो कहते हैं तांत्रिक, कई बार ऐसे कहते हैं जो जिस लड़की में शुरू में हो, बचपन में ही दुष्ट आत्मा जिसको घेर ले, तो अगर उसकी शादी हो जाए तो वो कहते हैं कि जब शादी में फेरे लिए, मतलब जब शादी हुई तो उस शादी में साथ वो दुष्ट आत्मा ने भी साथ में ही शादी कर ली है, तो अब दुष्ट आत्मा की तो शादी होगी उसके साथ, तो फिर तो ये तो निकलना मुश्किल है। तो पहले भी ये तांत्रिक के पास जाते रहे और तवीज था क्या देते थे? क्या तवीज देते थे? पहना तवीज देते थे, तवीज दे देते थे, इलायची दे देते, कहते थे इससे भी जैसे जी घबराता, उल्टी आती थी, बुखार हो जाता, तो इलायची भी दे देते थे और तवीज दे देते थे। फिर जब आपकी शादी होगी तो फिर भी आपके अंदर वो दुष्ट आत्मा रही? फिर भी दुष्ट आत्मा थी। अच्छा, तो वो जो आप कह रहे भक्त है, आपका ससुर जी भक्त थे, भक्त का मतलब ये है कि वो तांत्रिक था? हाँ, भगत थे, सेवा करते थे। हाँ, तांत्रिक, तांत्रिक थे। हाँ, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो जब आप में दुष्ट आत्मा होती थी तो वो क्या करते थे? वो अपना झाड़ा डाल देते, झाड़ा डाल देते थे और इलायची दे देते, कहते ये इलायची ले ले, ठीक तो हो जाएगी। तो इसके ससुर जो थे वो इस पे झाड़ा डाल देते थे, है ना, वो झाड़ा लगा देते थे ऐसा कहें। हाँ। तो वो झाड़ा कर देते थे और थोड़ी देर वो दुष्ट आत्मा जो थी वो थोड़ी देर शांत हो जाती थी, और फिर वो दुष्ट आत्मा को तंग करती थी। अच्छा, तो ये जब आपको दुष्ट आत्मा तंग करती, तो आपके मतलब परिवार के हालात कैसे थे? परिवार में मतलब खुशहाली थी आपके परिवार में, कैसा था परिवार आपका? खुशहाली नहीं थी तब भाई, जैसे मैं दुष्ट आत्मा घिरी रहती थी, जब ज्यादा वो हावी हो जाता, मेरे ससुर झाड़ा डालते तो वो यही कहता भाई मैं इसके लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा। अच्छा, इसको लेके जाऊंगा यानी कि मतलब इसको मार दूंगा और मारूंगा, ये मार के मेरी शादी हुई है। अच्छा, ऐसे दुष्ट आत्मा बोलती थी? दुष्ट आत्मा बोलती थी भाई, ये मेरी है, मेरी मुंह से बोलती थी, मुंह से बोलती थी। तो मैं खेलती थी, मेरे को नहीं पता लगता था, वो चप्पल भी मारते, मैं कभी कभी मेरे नाक से मुंह से खून भी निकलता जब वो चप्पलें मारते थे, लैटरिन की धोनी भी देते थे मेरे को भाई, वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। फिर भी मैं यही बोलती भाई, वो आदमी जो कहता था ये मेरी है, मेरी शादी हुई है इससे, मैं इसको लेके ही जाऊंगा। तो आप इस बात को समझिएगा, वो जो दुष्ट आत्मा थी वो क्या करती थी, इसके अंदर आकर बोलती थी, और वो आदमी था जो दुष्ट आत्मा थी, कहते हैं कि वो कहता था कि मेरी तो तेरे साथ शादी हो गई है, ऐसा कहता था, मेरी शादी हो गई है, अब तेरे को साथ लेकर जाऊंगा, मैं तो मर गया हूँ, मैं तो आत्मा बन गया हूँ, और तेरे को भी मार के आत्मा बना लूंगा और साथ ले जाऊंगा, मार दूंगा। और फिर चप्पल मारते थे, कौन मारते थे? चप्पल मेरे ससुर जैसे चप्पल मारते, तो जो वो थे इनके अपने ही थे,
जो उसके झाड़ा लगाते थे और वो चप्पलें भी मारते थे, चप्पल भी मारते थे। तो आप खेलती रहते थे? खेलती रहती थी मैं, मतलब खेलने का मतलब जैसे सिर लाते हैं। हाँ, सिर लाती, बाल खिल जाते, ससुर था घूंघट भी निकाल देती, पर जब खेलने लग जाती तो बाल खिल जाते, घूंघट भी कहीं, साड़ी पहनती साड़ी भी कहीं पता ही नहीं लगता। तो जब दुष्ट आत्मा आती थी तो साड़ी वगैरह का पता नहीं लगता, घूंघट का कोई पता नहीं चलता था, और वो मारते थे। तो आप क्या कह रहे थे, लैटरिन की धुनी देते थे? लैटरिन की भी धुनी देते, कहते लैटरिन की धुनी दे तो ये दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, दूर हो जाएगी। देखो ये आपको मैं बताऊं, ये चर्च की असलियत आपको मैं बता रहा हूं कि ये बहुत, मुझे ये सुनकर कैसा लग रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे बहुत से केस आते हैं हमारे पास, तो ये इसको लैटरिन की है ना, लैटरिन की धुनी देते थे कि ताकि जो दुष्ट आत्मा है वो लैटरिन की धुनी देंगे तो वो बाहर निकल जाएगी, निकल जाएगी। हाँ, तो ये घर के अंदर ही करते थे? घर के अंदर ही करते थे, घर के अंदर, तो घर के अंदर ही धुनी देते थे। और मुझे तो हंसी भी आती है और मुझे पीड़ा भी होती है, दुख भी है इस बात का कि ऐसा इसके साथ हालात था। लेकिन जब उसको धुनी देते थे दुष्ट आत्मा को लैटरिन की, तो वो लैटरिन की धुनी तो सारा परिवार घर में जो होते थे वो भी ले लेता था, पूरा घर ही भर जाता होगा। नहीं, घर में ही करते थे? घर में एक अलग कमरा बना रखा था पूजा पाठ का, उस कमरे में बिठा के। अच्छा, घर में एक पूजा पाठ के लिए कमरा बना रखा था, उसके अंदर बैठाते थे, उसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर कोई मतलब वैसे नहीं रहते, रोते नहीं थे, पूजा पाठ के लिए बना रखा, बस स्पेशल कमरा उसी के लिए रख रखा था वो। तो उसमें फिर आपको बिठाकर धुनी देते थे? धुनी देते थे, घर वाले भी साथ बैठते थे, खुद का मेरा पति भी बैठता था। अच्छा, आपका पति भी साथ बैठता था? बैठती थी, सास भी बैठती थी, ननद तो वो तो फिर ननद और सब लोग, वो जो लैटरिन की धुनी थे तो सबके जाती होगी, सबके जाती थी ना। तो कितनी बुरी बात है ये। और फिर आपके जो थे, मतलब घर की स्थिति क्या थी, मतलब अमीरी थी गरीबी थी? उस टाइम में बहुत ही गरीबी थी। आप बहुत गरीब थे? बहुत ही गरीब। क्या करते थे फिर आप? बहुत ही गरीब थे भाई, अरे छोटी छोटी चीज के लिए भी तरसते थे, बहुत ज्यादा गरीब थी। शादी के बाद में जब जैसे बच्चे हो गए तो सास ससुर ने न्यारा कर दिया, तो वो झाड़ा तो डालते ही रहते थे भाई, ठीक हो जा, ठीक हो जाती थी फिर बस सही। और पैसा था जो कुछ, मैं बीमार भी रहने लगी, बीमारी में लग गया, पति मेरा दारू पीने लग गया कि भाई ये तो ठीक तो होती नहीं है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, बच्चे हो गए फिर भी दुष्ट आत्मा है ये। तो आपके पति मतलब दारू पीते थे? बहुत करते थे, बहुत करते थे, जब आम सिंपल आम पीते, बहुत करते, बहुत बहुत करते, नशा बहुत करते थे। ठीक है, तो अब तो आप कुछ अब तो नहीं करते हैं, अब तो नहीं करते, आने वाले बारे में अभी मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो अब तो अच्छा, तो उस समय फिर आप भी काम करते थे कोई? हाँ, मैं आप भी जैसे खेत में किसी के खोदे निकालनी है, खोदे निकालने चले जाते, मजदूरी करते थे, मजदूरी करती थी। आप क्यों मजदूरी करते थे? तो आपको खर्चा तो मेरे को भी चाहिए था, वो तो घर का राशन ही राशन लेके आते थे, बच्चे के लिए भी चाहिए था, मेरे को खुद को भी चाहिए था, घर चलाने के लिए खर्चा चाहिए, खुद भी दिहाड़ी करती थी मैं। अच्छा, दिहाड़ी करते थे, तो ये बहन जैसे बता रही है कि ये मजदूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे, जिसे कहते अपने दिहाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे। तो मजदूरी करते थे, और फिर आप क्या बता रहे थे कि वो आपके कपड़े और आप सब कपड़े भी, कपड़े के लिए भी इतने भी पैसे नहीं थे भाई कपड़े खरीद सकें, चौधरियों के। जैसे मेरे पति ड्राइवरी करते थे तो उस टाइम में सिर्फ 10,000 रुपए साल की तनख्वाह लेते थे, साल की तनख्वाह 10,000 रुपए थे बस, एक साल की, एक वर्ष की तनख्वाह 10,000 तनख्वाह थी। ठीक है, आप जो कपड़े पहनते थे वो आपको, आप जैसे बता रहे थे कि उनके कपड़े आप पहनते थे? हाँ, उनके चौधरियों के बहू, उनके बहू अपने दे देती थी, वो मैं पहन लेती थी। बच्चों के, उनके बच्चों के कपड़े थे, वो मेरे बच्चों को सही कर करके खुद पे सेट, उनके बड़े बड़े बच्चे थे मेरे छोटे थे, उनके सही कर करके उन बच्चों को कपड़े भी पहनाती थी, वो ही पहनाती थी, चप्पल क्या पहनने के कपड़े क्या सब कुछ। तो ये जिनके खेत में, जिनके घर पे मजदूरी करते थे, उनके खेत में मजदूरी, खेत में मजदूरी करते थे, तो उनके जो कपड़े होते थे, उनकी बहुओं के कपड़े होते थे आप पहनते थे, पुराने कपड़े जो ये पहनते थे, ऐसे घर के हालात थे। और अब क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। और फिर उनके बच्चों के कपड़े जो थे उनको काट छांट करके है ना, सिलाई करके थोड़ी सी सेट करके उसको अपने बच्चों को पहनाते थे, तो अपने बच्चों को पहनाते थे। इतनी ज्यादा गरीबी थी, इतनी ज्यादा गरीबी थी, और खाने पीने के लिए, खाने पीने की बहुत तंगी थी। हाँ, खाने पीने के बहुत तंगी थी इस घर में। और एक तरफ तो वो दुष्ट आत्मा परेशान करती थी, और एक तरफ गरीबी परेशान करती थी, एक तरफ जो पति नशा करे तो फिर तो होता ही है।
तो ऐसे हालात सास ससुर ने भी निकाल दिया। अच्छा, तो सास ससुर ने अलग कर दिया। अलग कर मैं निकाल दिया नहीं कहता, और मैं कहता हूँ अलग कर दिया आपको, कह दिया था अपना करो खाओ, अपना करो और खाओ। कोई आपके ऊपर कोई केस भी मैंने सुना था, केस भी हो गया था मेरे ऊपर, केस हो गया था, कत्ल का केस हो गया, कत्ल का केस हो गया था, तो किसी ने धोखे से बुला लिया था। तो आपको थोड़े दिन जेल में भी जाना पड़ा, जेल में भी रही थी। हाँ, सो आप देखिए ये कितनी दर्द की बात है, कत्ल का केस भी इनके ऊपर हो गया था, धोखे के साथ हो गया था, और मतलब इनके साथ धोखा हुआ था ना, इनके साथ धोखा हुआ था, मतलब ऐसे इनके ऊपर झूठा ही केस बना दिया था, कत्ल का केस बना दिया था, और उसके लिए इनको जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन अब बात मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि अब क्या हुआ, फिर उसके बाद आपको किसी ने बताया और आप चर्च में आए। पहले आपने, मैं सुन रहा था, आपने, आपको कैसे पता चला, रेडियो से पता चला ना? रेडियो से इनकी बातें सुनी, परमेश्वर की, परमेश्वर से की, मैं ये सोची सच में। आपको चर्च के बारे में नहीं मालूम था, कहाँ चर्च, क्या होता था? मैं बस ढूंढती थी भाई कहीं चर्च हो, तो इन्हें चर्च के बारे में नहीं मालूम था भी कहाँ पर चर्च है, लेकिन ये रेडियो पे प्रोग्राम सुनते थे, और क्योंकि राजस्थान है ये, तो रेडियो ही यहाँ बहुत ज्यादा चलता, हाँ यहाँ रेडियो ज्यादा चलता है, ये बड़ा माध्यम है राजस्थान में, क्योंकि ये ड्राई एरिया है, आपको मालूम है राजस्थान का हालात तो कैसे हैं। तब फिर आप चर्च में आए, जब आप चर्च में आए तो आपकी जो दुष्ट आत्मा थी और जो भी शैतान के बंधन सारे, वो पहले दिन ही सब कुछ निकल, पहले दिन ही सब कुछ निकल गया। सो पहले ही दिन प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चंगा कर दिया, पहले ही दिन, पहले ही दिन। मैंने प्रार्थना की ना कोई और, मेरा बेटा जो कोई और था उस टाइम, मैं इतना जानती नहीं थी। अच्छा, नहीं जानती नहीं, पर जैसे आराधना हुई उसी टाइम में मेरे को महसूस हुआ जैसे कुछ निकल गया मेरे, ठीक है। तो चर्च में जैसे हम लोग आराधना कर रहे थे उसी दिन, पहले दिन ही, पहले दिन ही, पहले ही दिन इसमें से दुष्ट आत्मा निकल गया, पहले दिन दुष्ट आत्मा निकल गया। और फिर आपने बपतिस्मा लिया? हाँ, दूसरे संडे आके फिर मैं, पहले दिन जैसे मैं आई ऐसे प्रभु बोझ हो रहा था, मैंने सोचा भाई ये मैं भी लूँ, जैसे कहा भाई ये परमेश्वर की देह है, लहू है, तो मैंने मन में इच्छा हुई भाई मैं भी ग्रहण करूँ इसको। पर उस टाइम में जब पास्टर जी ने कह दिया ना भाई ये बपतिस्मा वाले ले सकते हैं, तो मैंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था, मैंने नहीं किया। फिर मैंने कहा परमेश्वर जल्द से जल्द मेरे को बपतिस्मा मिले, तो मैंने भी ये ग्रहण करना है। तो दूसरे संडे जैसे आई तो वैसे बपतिस्मा दे रहे थे, तो मैं दूसरे संडे ही बपतिस्मा ले लिया, ठीक है। तो आपने दूसरे एतवार में ही बपतिस्मा लिया, और फिर मतलब पापों की क्षमा के लिए स्नान किया आपने, ठीक है। तो अब तो आपके आंखों के आंसू प्रभु ने पोंछ दिए हैं, है ना, आपको दिया है आराम और छुटकारा दिया है, और फिर आपने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा कब पाया? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बपतिस्मा लिया उसी, उसके तीसरे संडे जब आई तो बपतिस्मा लेके चली गई। तीसरे संडे आई तो जैसे टेम्पू में आ रही थी, आते आते मेरे अन्य भाषा ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे, मैं कुछ बोल रही हूँ मेरे को पता नहीं। फिर मैंने जैसे गांव की राजू की लड़की उससे पूछा, मैं मेरे मुंह से बपतिस्मा लेके आई, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? अच्छा, तो जब टेम्पू में आ रहे थे तो अन्य भाषा बोलने लगी? हाँ, वापस जब बपतिस्मा लेके गई ना, वापस जाते जाते मेरे मुँह में से कुछ बोलने लगी, मैं निकलने लगा। हालेलुया। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है, और जब ये जा रहे थे बपतिस्मा लेने के बाद, जब अपने घर जा रहे थे टेम्पो पे जा रहे थे, तो उस टेम्पो पर क्या हो रहा था, आपके मुंह से कुछ निकल रहा था, तो इनके मुंह से कुछ निकल रहा था जानकि अन्य भाषा निकल रही थी। तब इसने किसी और कलीसिया के चर्च के अपने जो लोग हैं उनसे पूछा भी ये क्या है, ये क्या तो उन्होंने बताया आपको ये पवित्र आत्मा है, उन्होंने कहा पवित्र आत्मा ये अन्य भाषा है। तो वो हंसने भी लगी कि आंटी जी आपको तो पहले अभी बत्तीस पहली दूसरी बार आया आपने, आपको अन्य भाषा मिल गया। तो जैसे तीसरे संडे आई तो तीसरे संडे तो बहुत पवित्र आत्मा भर गई, पूरी अन्य भाषा बहुत ज्यादा। तो तीसरे एतवार को जब ये आए, दूसरे एतवार को आपने बपतिस्मा लिया, और तीसरे एतवार को आपने अन्य भाषा से पूरे भर गए, और फिर पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भर गया, ठीक है। सो परमेश्वर ने इन्हें दुष्ट आत्मा से निकाला, और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, और परमेश्वर ने उस कत्ल के केस से भी आपको बाहर निकाला, आपको बचाया, और परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भी भरा। अब आपके घर के हालात कैसे हैं? अब तो परमेश्वर के दिया से बहुत अच्छे हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ। तो अब इनके घर में बहुत सब कुछ सही है, इनके पति नशा नहीं करते,
और मतलब घर में टेम्पू है अपना, अपनी वैन है, गाड़ी है, आपकी खुद की गाड़ी है, खुद के टेम्पू है, और पहले मकान तो आपका तो बुरा हाल था, ऐसा कहूँ तो इनका मकान का कुछ हाल नहीं था, लेकिन अब तो बड़ा मकान है, है ना, परमेश्वर ने बड़ा मकान दिया है अब तो, और किसी चीज़ की कमी नहीं है, और बहुत अच्छा। तो जब आप प्रभु में आए तो लोग आपको कहते थे भी आप क्यों चर्च में जाते हो? लोग बहुत बहुत इतराज कर, मेरे खुद के, मेरी माता माँ तो नहीं थी उस टाइम में, मेरे पिता थे, मेरे पिता ने भी मेरे को छोड़ दिया था, कहते ये तो दूसरे धर्म को मानने लग गई, ये तो दूसरे धर्म को। तो उस समय ये देखो कितनी ये दर्द भरी बात है, इसके पिता ने आपके, हाँ मेरे पिता ने, और तो थे रिश्तेदार, पर पिता ने भी आना जाना छोड़, तो सब रिश्तेदारों ने तो छोड़ा ही, लेकिन इसके पिता ने भी छोड़ दिया, और पिता ने कहा भी ये तो इसने दूसरे धर्म को मान लिया। तो आपने फिर धर्म बदल लिया था? नहीं, बपतिस्मा लिया, धर्म नहीं बदला मैंने। अच्छा, बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए आपने पानी में डुबकी लगाई थी। तो आपने धर्म नहीं बदला? ओके, सो सच में चर्च में धर्म नहीं बदला जाता, और पापों की क्षमा के लिए अपने एक बपतिस्मा लेते हैं, डुबकी लगाते हैं, और फिर परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और परमेश्वर मसीह ने आपके जीवन में काम किया, और आपके गांव के लोग भी बहुत, मुझे मालूम है आपके गांव के लोग बहुत विरोध करते थे भी, ये तो मुसलमानों को मानने लग गई है, उनको मालूम नहीं था भी चर्च क्या होती है, ये मुसलमानों को मानते हैं, और उनको ये भी नहीं पता था कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग होते हैं, कैसे हैं, और फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बहुत आशीष दी, और लोग आपसे तो ये भी कहते थे कि आपके बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, और शादी की कहती ना मेरे बच्चे, अब आपके बच्चों के सबके शादी होगी, सबकी शादी होगी, हाँ बच्चों के सबकी शादी होगी, सब प्रभु की स्तुति हो, और परमेश्वर ने सब कुछ किया, जो आज्ञाकारी है परमेश्वर में, चलने वाली आज्ञाकारी है, चलने वाली एक बहु आज्ञाकारी के दोनों है, दोनों परमेश्वर में चलने वाली, तो ठीक है, तो बहु की बात कर लेते हैं, ये इनकी बहु है, और इसका नाम है माया देवी, माया माया रानी, माया देवी, माला देवी वैसे कहते तो, ओके माया देवी, ठीक है। तो ये एक, मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, इसके जीवन में जो बात हुई, आप बताओ, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, जब इसकी ये आवाज़ बंद हो गई थी, इसकी आवाज़ बंद हो गई थी, ये पहले तो इसको भाव ही थी, गठिया भाव, बहुत बहुत इसका गठिया भाव था, जैसे हम शादी करके लेके आए ना, तो हमारे को नहीं बताया गया अभी इसके भाव है, थोड़े से दिन हुए, कभी कहती मेरा हाथ दर्द होता, कभी कहती मेरा, तो अपने शॉर्ट में एक बात करते हैं, इसे गठिया भाव था, शादी से पहले गठिया भाव था, गठिया भाव का मतलब होता है यहाँ जोड़ों में दर्द होना, ये सब सूजे हुए, ये सूजे हुए थे सब, सूजे और जोड़ों में दर्द होना, सारे जोड़ों में ये चीज है ना, ये इतनी ऐसी मोटी हो जाती, तो इसे गठिया भाव था, और प्रभु यीशु मसीह ने इसे चंगाई दी, किसने चंगा किया आपको? प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया, के पास्टर जी ने, प्रभु यीशु मसीह ने, ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया जब चर्च में लेके, हाँ वो बताओ, इसकी आवाज बंद हो गई थी, वो बात क्या? आवाज रात को जैसे खाना खुना खा के सोए थे, सोए तो इन्होंने नहीं खाया था, ये खाना जैसे खाने लगे ना, वैसे ही ये चक्कर आने लगे कर लिया, फिर मेरा बेटा वीरपाल वो कहने लगा कि मम्मी इसको आके देख इसको क्या हो गया, जब मैंने इसको देखा आके तो इसको चक्कर आ रहे थे, उल्टी आने लगी, उल्टी आते आते जब मैं प्रार्थना करने लगी तो इसकी आवाज़ बंद होगी, एन एन गूंगी हो गई थी जमा ही। तो ये इसकी इसकी इनकी बहू की जो आज साथ लेकर आए हैं, इनकी आवाज़ बंद हो गई थी, बंद होगी आवाज़ बंद होगी, और ये मतलब बेहोश होगी, बेहोश बिल्कुल ही, ऐसे लग रहा था जैसे इसमें कुछ मिट्टी बन गई है ही नहीं, मरी गई है, तो ऐसे लग रहा था इन्हें भी जैसे वो मर गई है, और ये ऐसे बेहोशी इसको होगी, और आवाज बंद होगी, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, और फिर आप टेम्पो में लेके आए, टेम्पो में नहीं, किसी की जीप, पड़ोसियों की जीप पूछ के, जीप के अंदर चार जनों ने इसको उस जीप में जैसे मरी हुई को डालते हैं ऐसे डाल के लेके आए इसको अरजाई में, लेट के ठंड भी बहुत, हाँ सर्दी का समय था उस समय, और अरजाई में इसको लिया, और चार लोगों ने उठाकर जीप में डाला, जीप में डाल के लेके जैसे लाश को डालते, लाश को लेके आए ऐसे, तो ऐसे उठाकर, और फिर मुझे याद है आप चर्च में जब लेकर आए थे इसे, लेके आए तो रात के समय, रात की बात है, रात के 11:30 का टाइम था, जैसे चर्च में लेके आए, चर्च से गेट से उतारी ना, उतारते इसको उल्टियां लगी वहां पे, लाश बनी थी फिर भी उल्टी लगी, उल्टी लगते फिर दोबारा वैसी फिर हो गई, फिर ले आके यहां पे, तो ये बहुत ज्यादा ये बेहोश थी, और इसे कोई भी होश ना था, और लिटा दिया, फिर इसको जब इसके लिए प्रार्थना की गई तो इसको फिर होश तो आया,
लेकिन आवाज नहीं थी इसकी, आवाज बंद हो गई थी। आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी? नहीं बिल्कुल नहीं। जब हम लोग कहते थे तू बोल या कुछ कर, घर के लोग भी करते थे पर आवाज नहीं निकलती, सुनाई दे रहा था, सुनाई देता था, मुंह से आवाज नहीं बाहर निकलती थी, आवाज नहीं निकलती थी। तो सुनाई देता था लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, है ना, सुनाई देता था। और फिर जब प्रार्थना की, और मुझे याद है मेरे बेटे ने प्रार्थना की, हाँ। तो उस समय मेरे बेटे ने प्रार्थना की, और जैसे मेरे बेटे ने प्रार्थना की फिर आपकी आवाज जो है, रात की बात है, रात को मेरे ख्याल में 1:45 बजे के आसपास होगा, वो समय 2 बज गए होंगे शायद, सर्दी का समय था। और फिर इसकी आवाज जो थी वो आवाज आई, इसकी आवाज आ गई और प्रभु ने इसे चंगा किया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक और बात आपके जीवन में मुझे बता रहे थे कि आप इसके बच्चे को कुछ, हाँ जैसे शादी के कुछ महीने हुए तो जैसे भाई कहते हैं भाई बहू के बच्चा होने वाला, मैं भी यही सोचती थी मैं चलो होने वाला बच्चा, चलो परमेश्वर ने आशीष दी। ऐसे करते करते 2.5 महीने हो गए, तो 2.5 महीने बाद इसके थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, तो हमने सोचा भाई अल्ट्रासाउंड कराए तो उसके अंदर पानी की गांठ थी, बहुत इतनी बड़ी गांठ थी। तो आप तो ये सोच रहे थे कि भाई शायद बच्चा है, तो लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला भी ये तो पानी की गांठ, दो पत्थरियां भी साइड में थी इसके। फिर अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में पता चला भी पत्थरियां हैं, दो पत्थरियां हैं और पानी की गांठ थी वो अल्ट्रासाउंड में पता चला। और फिर प्रार्थना करवाई, फिर हमने यहाँ पे दवाई नहीं ली बस। अच्छा, प्रार्थना यहाँ पे लिखाई है, प्रार्थना कराई है पास्टर जी से और बस प्रार्थना भी चलते। तो फिर ये यहाँ चर्च में आए और इन्होंने हमारा जो प्रेयर टावर है वहाँ भी प्रार्थना भी हम लोगों ने लिखवा दी इनकी, क्योंकि हमारे स्टाफ के लोग जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए। और फिर जब इसके लिए प्रार्थना की गई तो वो जो पानी की गांठ थी वो भी खत्म हो गई और जो पत्थरियाँ थी वो भी निकल गई। फिर दोबारा फिर 2-3 महीने बाद हमने अल्ट्रासाउंड करा के देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, एकदम सही थी। 2-3 महीने बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें कुछ नहीं था, ना तो गांठ ना दोनों पत्थरियां। ओके, तो दोनों पत्थरियां पर विश्व मसीह ने बाहर निकाल दी और गांठ भी पर विश्व मसीह ने निकाल दी, बाहर निकाल दी, गैप कर दी। जैसे ना वीरपाल ने बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछा तो वो कहते हैं ये गांठ है, ये गंदी बीमारी बनेगी, तो जल्द जल्द ऑपरेशन करा। अच्छा, जल्द जल्द ऑपरेशन करा। बड़े बड़े डॉक्टर ने ये कहा था कि इससे बीमारी फैलेगी, इसका ऑपरेशन करवा दो, गंदी बीमारी बनेगी। पर मैंने कहा पर विश्वास कर परमेश्वर, गंदी बीमारी मतलब कैंसर बीमारी बनेगी, कैंसर की बीमारी। तो डॉक्टर कहते थे कि कैंसर की बीमारी ये बन जाएगी। और लेकिन फिर आपने, आप सही से बताना ये चर्च की असलियत है यहाँ पर, मतलब ये प्रोग्राम का नाम है चर्च की असलियत। यहाँ पर अगर किसी पास्टर ने गड़बड़ की तो वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। अगर किसी ने मतलब मान लो मैंने आपसे थोड़ा सा धोखा किया तो वो भी हम लोग बता रहे देंगे, परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। तो इसके लिए कोई दवाई नहीं ली, कोई दवाई, परमेश्वर मसीह ने चंगा किया, परमेश्वर मसीह ने चंगा। तो ये चर्च में लेकर आए और मुझे याद है इन्होंने अल्ट्रासाउंड दिखाया और उसमें एक पानी की गांठ थी और दो पत्थरियां भी थी। और प्रभु यीशु मसीह, हम लोगों ने प्रार्थना की, हमारा काम से प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, चंगा कर दिया। और अब परमेश्वर इन्हें बड़ी आशीष दी है और ये मां बनने वाली हैं, 4 महीने हो गए। तो ये मां बनने वाली हैं, प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बड़ी बातों के लिए। ये है चर्च की असलियत। कुछ कहते थे मुसलमान बन गए, कुछ कहते थे ईसाई बन गए, सब रिश्तेदारों ने छोड़ा, गांव वाले इनके घर में आना बंद कर दिया, इनका खाना पीना, इनके हाथ का खाना पीना, इनके घर का खाना पीना बंद कर दिया, यहां तक कि इसके पिता ने खुद कह दिया भी नहीं, ठीक है, और वो भी मुंह मोड़ लिया और कैसे कैसे हालातों में से निकाला। और ये है चर्च की असलियत। यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन को बदल कर रख दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं फिर किसी एक और असलियत के साथ।